गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी वन का पार्ट 14 हवा की दुनिया पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 114 पर है। ठीक है, वो बुक खोलिए, देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी चारों तरफ होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। हवा, जो हवा चलती है लेकिन दिखाई देती नहीं, पता है चल रही है, हमें महसूस होती है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। इसी पार्ट के किसी के बारे में आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सूरज की किरणें हवा के मीठे झोंके के साथ अधखुली खिड़की से होती हुई भीतर आ गई। सूरज की किरणें हवा के झोंकों के साथ खिड़की में से अंदर आ गई। मेरी पलकों पर नाचते हुए वे मुझे नींद से जगाकर नई सुबह का संदेशा देने लगी। मैंने आंखें खोली तो अपने पापा और बहन शालू को अपने पलंग के पास खड़े पाया। मैंने उठकर जमाई ली। पापा ने मुझसे पूछा, राजू हमारे साथ स्टेशन चलोगे? कौन आ रहा है? मैंने पूछा। हरी मामा, पापा ने बताया। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। हरी मामा के साथ बहुत मज़ा आता है। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, जल्दी से तैयार हुआ और एक गिलास गर्म दूध गटका। पापा ने दो बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। मैं झटपट पोर्च में पहुंचा और कूद कर कार में बैठ गया। हम जल्दी ही स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी सरकते हुए आई और गड़गड़ाते हुए रुक गई। हरी मामा नीचे उतरे और उनकी आंखें हमें ढूंढने लगी। मैंने उन्हें देख लिया और दौड़कर उनके पास पहुंचा। शालू और पापा भी उनके पास पहुंच गए। मामा जी ने हमें गले लगा लिया, झुककर पापा के पैर छुए, फिर सीधे खड़े होकर सूटकेस उठा लिया। घर वापस आते समय शालू और मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब वह पिछली बार यहाँ आए थे तब हमने कितने मजे किए थे। आपको याद है, आपने हमारा परिचय परछाइयों की दुनिया से कराया था। हमारे ये कहने पर मामा जी मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूँगा। दोपहर के भोजन के बाद हम वहाँ जाएंगे। हमारी बेचैनी बढ़ती गई। हमें होने लगा कि हवा की दुनिया क्या है। ये हमारी बेचैनी बढ़ने लगी कि हवा की दुनिया कैसी होगी, कैसी दिखती होगी। समय बहुत धीरे धीरे सरक रहा था। लगा जैसे बरसों बाद हम खाने की मेज पर इकट्ठे हुए हों। मम्मी ने बहुत बढ़िया भोजन तैयार किया था। इन सब में बादाम की खीर सबसे स्वादिष्ट थी। हमने मेज साफ करने में मम्मी की मदद की। शालू ने पापा मामा जी से पूछा, हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे? बस अभी चलते हैं। मामा जी पढ़ाई वाले कमरे की तरफ चलने लगे। क्या तुम जानते हो हमारे तरफ कि हमारे चारों ओर चारों तरफ हवा है? यहाँ वहाँ हर जगह, यानी चारों ओर हवा है। हम हवा के सागर में रहते हैं, सागर की बिल्कुल निचली सतह पर, लेकिन हम कभी यह महसूस नहीं करते। इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती, गंध यानी कि कोई स्मेल नहीं होती। सही कहा आपने। एक दिन मैं बाग से गुजर रहा था तो मुझे चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई और जब कूड़े के ढेर के पास पहुँचा से गुजरा तो बहुत सी गंदी बदबू आई। हाँ, हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती, बल्कि इसमें कोई गंध बाहर से आकर शामिल हो जाती है और इसमें घुल जाती है। कभी मंद मंद बहकर हमारा मन मोह लेती है तो कभी तेज आंधी बनकर हमें डरा देती है। एक तरह से हवा बहुत सारे अजूबों की पोटली है, लेकिन आज इस पोटली से कुछ बातें मैं तुम लोगों के लिए निकालूंगा, मामा जी ने कहा। जल्दी निकालिए ना मामा जी, दोनों ने उतावले होते हुए कहा। हवा की एक और विशेषता है, यह पंख से हल्की होती है, फिर भी इसमें कुछ भार होता है और जिस चीज़ में भार होता है उसका और उसमें दबाव भी होता है। कैसे मामा? शालू ने पूछा। अभी बताता हूँ। जैसे एक जैसे दो गिलास, एक लंबी पेंसिल, 40 सेंटीमीटर की एक छड़ और दो छोटे छोटे गुब्बारे और चिपकाने वाली टेप ले आओ। हम दोनों दौड़ दौड़ कर सारा सामान ले आए। मामा जी ने दोनों गिलासों का एक पुल सा बनाते हुए पेंसिल उसके ऊपर रख दी और छड़ के दोनों ओर गुब्बारे चिपकाकर पेंसिल के ऊपर आर पार कर रख दिया। उसके बाद एक गुब्बारे को हवा निकाल कर हवा भरकर फिर से टेप के सारे छड़ में बांध दिया। यह क्या, फूले हुए गुब्बारे से बंधा सिरा नीचे झुक गया और बिना फूले गुब्बारे से बंधा सिरा ऊपर उठ गया। हम दोनों यह देखकर एक साथ बोल उठे, मामा जी यह तो बिल्कुल तराजू की तरह हो गया। तराजू के दोनों पलड़े में कुछ ना रखो तो बराबर रहते हैं और उसके एक पलड़े में जैसे ही वजन रख दो वह नीचे हो जाता है, मामा जी ने कहा। हाँ बिल्कुल, हवा में भार होता है यह तो हम मान गए, लेकिन कितना होता है? क्या यह निर्धारित है कि हवा में भार होता है लेकिन कितना, यह निर्धारित नहीं है, मैंने पूछा। मामा जी ने कहा, हाँ यह करीब
112 किलोग्राम यानी कि 112 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब मैं तुम्हें हवा के बारे में कुछ और बताता हूँ। हवा हम पर चारों ओर से दबाव डालती है और यह बहुत शक्तिशाली होती है। सच मामा जी, हवा बहुत ताकतवर होती है? शालू ने पूछा। अभी दिखाता हूँ कि यह कितनी शक्तिशाली होती है, मामा जी ने कहा। मामा जी ने एक गिलास उठाया जिसके किनारे चिकने थे। उन्होंने जिन्होंने गिलास में पानी भरा था और किनारे को गीला कर दिया। फिर एक गत्ते को गिलास के ऊपर रख दिया और हथेली से पकड़कर गिलास को उल्टा कर दिया। थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। यह क्या, गत्ता गिलास चिपका रहा और पानी गिलास में भरा रहा, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। हम दोनों आंखें फाड़ कर देख रहे थे, हमें यह सब जादू लग रहा था। दोनों एक साथ बोले, मामा जी यह तो जादू का खेल है। मामा जी गिलास इधर करते हुए बोले, यह कोई जादू का खेल नहीं है। हवा के गत्ते पर नीचे की तरफ से दबाव पड़ डाला है। हवा का दबाव गिलास में भरे पानी के वजन से अधिक था, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोके रखा था। कुछ सोचते हुए शालू ने कहा, मामा जी हवा में भार होता है और यह दबाव डालती है, यह तो हम जान गए, लेकिन क्या हम हवा को देख नहीं सकते? मामा जी ने कहा, प्रत्यक्ष तो हम नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी मौजूदगी का अवलोकन अवश्य करवा सकता हूँ। यानी कि मैं हवा को सीधे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो है, इसका आपको एहसास करवा सकता हूँ कि वो हमारे चारों ओर है, तो करवाइए ना, मैंने कहा। मामा जी ने छोटे मुँह की एक खाली बोतल ली और उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। वह नहीं डूबी। मामा जी ने उसे पूरी तरह डुबाने के लिए दबाए रखा। बोतल पानी में जाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। मामा जी ने कहा, ये हवा के बुलबुले हैं, जैसे ही बोतल भर जाएगी और एक बुलबुले दिखाई नहीं देंगे। वह क्यों मामा जी, शालू ने पूछा। जब हम यह कहते हैं कि कोई चीज़ खाली है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। जब बोतल को पानी में डुबोया, तब जितनी मात्रा में बोतल में पानी जा रहा था, उतनी ही मात्रा में हवा बोतल से बाहर आ रही थी, इसलिए हवा के बुलबुले दिखाई पड़ते रहे, और जैसे ही बोतल पानी से भर गई, वे दिखाई देने बंद हो गए। मतलब बोतल में हवा नहीं है, मामा जी ने कहा। मैंने कहा, मामा जी क्या हवा की पोटली में कुछ और बताने वाली बातें हैं? मामा जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, और भी कुछ बताने वाली बातें? बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी हम खुली हवा में सैर करने चलते हैं, शालू ने कहा। हाँ हाँ जल्दी चलिए, मेरी सीढ़ियाँ भी आ गई होंगी। आर के मूर्ति अनुवाद स्नेह लता त्यागी का लिखा हुआ लेसन है ये, माइंड मैप। हम माइंड मैप से पूरे लेसन को वापस रिपीट करेंगे। हवा हमारे चारों ओर है, बिना रूप के, बिना गंध के। हवा वैसे बहुत हल्की होती है, परंतु इसमें कुछ भार होता है, इस कारण इसमें दबाव भी होता है। नंबर 3, जब भी कोई स्थान बिल्कुल खाली होता है, तब भी वह हवा जरूर होती है। पानी से भरी बाल्टी में खाली बोतल डालने पर निकलने वाले बुलबुले इस बात को बताते हैं। यह है हवा की दुनिया, जो हमने पढ़ा है कि हवा की भी अपनी दुनिया होती है। हवा होती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती नहीं, लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका PDF देंगे तो उसको आप कॉपी में करेंगे। थैंक यू।